अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बिल्कुल खैरियत होंगे। यार एक हमारा शुरू में काम ख़राब हो गया। आपको याद होगा जैसे मैंने इस पिंजरे में बंद किए थे दो, यानी एक पैर बंद किया था दो तोते, यानी तो उनमें से एक वाइट वाला निकल चुका है, यहाँ पर बैठा हुआ था आगे वो इस पिंजरे के ऊपर। तो अभी पता नहीं किधर गया, इधर उधर देख रहा हूँ मैं। और वो रहा, वो देखिए पिंजरे के बाहर है, ये देखें ये उसके बाहर है वो। तो इसको पकड़ना होगा क्योंकि पिंजरे से खुला हुआ है। इसको मैं पकड़ता हूँ पहले। तो गाइस फाइनली इसको मैंने पकड़ लिया, बड़े आराम से पकड़ी गई है, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, बस ऐसे किया आराम से पकड़ लिया। तो अंधेरा है ना, कमरे में लाइट गई हुई है, ये पता नहीं क्या सारा दिन लाइट नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है। तो इसको जो है ये दोबारा इसी में बंद करना होगा क्योंकि ये पैर लग जाए इनका। ये यहाँ से निकली है, ये देख सकते हैं ये है इसमें। इसको ठीक करता हूँ, पहले इसको अंदर डाल देता हूँ। अब ये ऐसे बंद, अब नहीं निकल सकती है यहाँ से। और हमारे बाकी सारे तोते बिल्कुल ठीक हैं, ग्रीन पैरेट्स बाहर आ चुके हैं, ये देखिए बाहर हैं। और बाकी कॉकटेल बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ पर भी सारे बिल्कुल ठीक हैं, देखिए बिल्कुल फिट हैं यहाँ पर। तो मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ अभी। मैंने सुबह से जो है अपने कबूतरों को नहीं था देखा, तो इन्हें मैंने दाना वगैरह शायद नहीं मिला आज, थोड़ा सुबह दिया होगा घर वालों ने, पर अभी मैं दोबारा एक बार दे देता हूँ, भूखे होंगे शायद से। भूखे हैं बेचारे यार काफ़ी। तो इनको दाना डाल दिया, अभी ये खा लेंगे आराम से। मुर्गियों को मिल जाता है दाना सुबह टाइम, पर ये इतनी भूखी हैं, इनका पेट कभी भरता ही नहीं है, तो ये बेचारे भूखे थे काफ़ी। दाना इन सबको डाल दिए, अभी पानी डालने की बारी है, पानी भी डाल दे, थोड़ा बर्तन साफ कर ले थोड़ा। हाँ ठीक है, गंद सारा इनकी तरफ ही जाता है क्योंकि ये इतना गंद करते हैं, अभी इन्हें साफ़ रखने की हमें आदत ही नहीं रही। पहले इन्हें रोज़ साफ़ किया जाता था, इनको रोज़ इनकी सफाई करते थे अच्छे से, पर इतने ये लोग गंदे हैं, ये लायक ही नहीं है सफाई के यार, बहुत ही गंद करते हैं ये, मुझे नहीं अब इनका अच्छा लगता, इसलिए मैं इनके ज़्यादा दिखाता भी नहीं हूँ वीडियोस में इनको, क्योंकि गंदे होते हैं बहुत ज़्यादा। आज की इस वीडियो में हम लाने वाले हैं रैबिट्स, तो अभी यहाँ से सीधा मार्केट जाते हैं और देखते हैं कोई प्यारे प्यारे रैबिट्स। मुझे तो यार एक पसंद आए थे, मैंने एक जगह देखे थे, अब दुआ कर सकते हैं वो बचे हों, अभी तक सेल ना हुए हों, तो वही अगर ना बिके हुए तो वही ले लेंगे, क्योंकि वो वाइट रैबिट थे, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट, रेड आइज थे, जो रेड आइज होते हैं वो बिल्कुल प्योर वाइट होते हैं, तो वही वाले लेंगे इंशाल्लाह। तो यार गंदगी भी काफ़ी हो गई है ये, तो इसकी भी सफाई करनी होगी। यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये वाली देखें डव टाइप भी लग रही है बिल्कुल सेम, तो ये भी लेने वाला हूँ मैं, एक ये ले जाते हैं। और ये तो यार भाई नहीं जो है इसकी फीमेल नहीं है, अभी फीमेल एक दो दिन में भाई यार आ जाएगी, तो वो भी ले लेंगे भाई से फिर हम। ये मेल रैबिट लेके जाने वाले हैं और ये चीज़ लेके जा रहे हैं, ये देखिए कोई नई किस्म की चीज़ है, भाई कह रहे हैं कि ये भी अंडे वगैरह देगी, जल्दी से ब्रीडिंग करेगी, तो ये ले जाते हैं और एक रैबिट ले जाते हैं, और अभी सीधा घर में मिलते हैं लेके जाके ना।
काफ़ी शोर है यहाँ पर आज जो है ना, उसी का चलते हैं गाड़ी की उसके बाद। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सफाई हो गई है, छोटे भाई ने पीछे से सारी सफाई करवा ली थी। तो ये देखिए मैं शॉपिंग करके आ गया हूँ, मजाक कर रहा हूँ। इसमें हमारा रैबिट है, ये रहा बेचारा, ये रहा सजिद, क्या ये हाँ खरगोश कह रहा है ये, पकड़ो इसको बाहर निकालो। ये इस काफ़ी बेचारा मासूम सा है, निकाल दो बाहर रख दो। हाँ ऐसे ये हमारा रैबिट आ गया हमारे घर में। तो गाइज इसकी फ़ीमेल कुछ ही दिनों में आ जाएगी भाई के पास, तो इसकी फ़ीमेल भी लेके आएंगे ज़रूर, क्योंकि इसको अकेला हम ये नहीं रख सकते, बेचारा अकेला क्या करेगा। और ये हमारी डव्स हैं और इनको हम ऊपर ही छोड़ेंगे, फ़िलहाल तो केज नहीं है हमारे पास, तो कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इनके लिए। मैंने एक जगह ऑर्डर दिया हुआ है, कल परसों तक हमारी एक काफ़ी हमने एक बड़ा सा केज बनवाना है, तो वो बन जाएगा तो उसके बाद जो है ना हमारा काम सही हो जाएगा। फिर एक तो हम डव्स को भी रख पाएंगे, जिसको हम कॉलोनी टाइप बनाएंगे, जिसमें हम सारी बर्ड्स को रखेंगे, इस तरह का बड़ा सा केज बनवाएंगे, तो वो कल परसों तक इंशाल्लाह बन जाएगा। भाई को बोल दिया हुआ है, वो बना रहे हैं, तो उन्होंने एक दो दिन का बोला है कि बना देता हूँ मैं, तो वो बनवाएंगे, उसके बाद सबको उनमें शिफ्ट करेंगे। और ये देख कैसा है, मेल है ये तो वही है ना वो जो उधर था। हाँ हमने पहले दो तीन दिन पहले देखे थे भाई के पास, तीन खरगोश थे रेड आई से, यही वाइट कलर में, तो दो तो सेल हो गए हैं, फुल वो जोड़ा था वो सेल हो गया, तो ये एक मेल ही बचा था, ये हमारी किस्मत में था तो हम ले आए इसको। और ये देख ये डव है, हाँ गाइस हम वाइट डव्स भी ली हुई हैं, तो ये भी काफ़ी प्यारी चीज़ है। भूख लगी है, जल्दी से कुछ दे यार इसको, माल्टे वगैरह दे इसको, भूखा है बेचारा। तो गाइज कमरा काफ़ी माशाल्लाह अच्छे से गर्म है। कोई दूसरा ग्रीन पैरेट कहाँ गया, ग्रीन पैरेट सिर्फ मेल है। वे 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 वे। ओ शिट शिट यार ये किधर चला गया। तो गाइज फीमेल को पकड़ लिया, उसको मैंने ऊपर पहुंचा दिया, और ये देखें ये यहाँ पर मज़े से फ्रूट्स खा रहा है, ये काफ़ी खुश है यार इसकी सेहत, क्योंकि हमारे बच्चों को रैबिट्स बहुत पसंद है। अभी हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो दो तीन बच्चे वो तो अभी पढ़ रहे हैं ट्यूशन में, तो वो फ्री होते हैं ना ट्यूशन से, तो उन्हें भी लेके आते हैं, उन्हें भी दिखाते हैं। वो मैंने उनको बोला था कि मैं लेके आ रहा हूँ रैबिट्स, तो बड़ा खुश हुए थे, पर एक अफसोस है कि सिर्फ एक मिला है, अगर जोड़ा मिल जाता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, पर क्या कर सकते हैं अभी एक ही मिला, तो खैर है एक भी ठीक है। कल परसों तक भाई ने कहा है कि मैं आपको लाजमी ला दूँगा इसकी जैसी ही फीमेल, तो अभी डव्स को खोल लेते हैं। दिखाओ करो, मैंने तो देखी नहीं, ये तो कबूतर लग रहा छोटा, ये छोटे साइज के कबूतर लगते हैं, ये देखें ये काटते भी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये काटते नहीं है, वरना मुझे तो पागल कर दिया काट काट की चीज़ों ने। काफ़ी प्यारे हैं यार ये, इनको छोड़ दें इसमें, मेरे हाथ पर बैठ गए यार, देखें डर रहा शायद वो डर रहे हैं इससे, वो देखो तो कैसे भाग रहे हैं, नहीं वो तुमसे डर रहे हैं, तुम्हारे हाथ से डर रहे हैं। तो हमारी पहली डव तो चली गई है, पता नहीं ये फीमेल है ये मेल है, पर दोनों का पेयर लगा हुआ है। ये वाली की बारी है अब, ये भी आप पर बैठ गई, जाओ इस झूले में जाओ। सारा दाना खा लिया है, डव्स काफ़ी शरीफ हैं यार, ये देखें इनको मैंने स्टिक पे बैठा दिया है, तो ये यहीं पर बैठी हैं तब से पिंजरे में। यार वो कॉकटेल बहुत ज़्यादा डर रहे थे इनसे, तो
तो इनको मैंने यहाँ पर रख दिया, तो अभी बिल्कुल खुश हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल यहाँ से डरते भी नहीं हैं। वैसे मैं करीब जाता हूँ फिर भी नहीं डरते। मुझे तो कोई टेम वाला सिस्टम लग रहा है इनका, शायद टेम तो नहीं है, हो सकता है टेम भी हो, मुझे लग रहा है टेम है क्योंकि मेरे हाथ पर बैठ रहे हैं, तब से हाथ पर बिठाता हूँ बैठ जाते हैं आराम से, उड़ते नहीं है बिल्कुल मेरे हाथ से। यहाँ पर बिठाया भी, यहाँ पर खुश है बिल्कुल। तो गाइस रैबिट को फ़िलहाल मैंने इस बॉक्स में रख दिया जिसमें उसको लाए थे, आगे से मैंने खोल दिया है ताकि अगर वो निकलना चाहे तो निकल जाए, रात को ठंड होगी तो इसको यहीं पर रख दिया है। डव्स हमारी यहाँ पर है और हमारा ग्रीन पैरेट बाहर ही रहेगा आज, क्योंकि पकड़ा नहीं जा रहा यार, तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। खैर है कोई नहीं, रात ऊपर छत पर गुजार ले, अंदर जा नहीं रहा, पता नहीं क्या मुसीबत है इसको, आगे पीछे तो चला जाता था। तो बस गाइज आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी शाम हो चुकी है, देखें सूरज गायब हो गया हर तरफ, करो सूरज तो वैसे भी नज़र नहीं आता, पता नहीं क्या हो रहा है यार, हमारे बर्ड्स को सूरज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब सूरज निकलेगा तो हम सब बर्ड्स को यहाँ पर ले आएंगे थोड़ी देर के लिए, उनके केजेस उठा के सबको ऊपर शिफ्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक उनको धूप नहीं लगेगी तो वो इस तरह खुश नहीं रह सकते, क्योंकि धूप की छुआएँ हर इंसान के लिए, हर जानवर के लिए ज़रूरी हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।